feet to this dress. Sight! Sight! सच पूछो मां तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि साहिर की सूरत में हमें दामाद मिला है। अरे दामाद नहीं, बेटा मिला है। हाँ, अब कोमल की शादी की बिल्कुल मुझे कोई फिक्र नहीं है। कुर्सी पे बैठूंगा और ऑर्डर करूंगा, भाई ये करो, वो करो, यूं करो, ऐसा करो। अगर मेरी शादी में भाग दौड़ नहीं करनी ना, तो मेरी शादी भी मत करवाइएगा। मैं ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, खर्चा तो बच जाएगा। जी नहीं, कोई खर्चा नहीं बचेगा। बाबा के नए बिजनेस में मेरा शेयर होगा, है ना बाबा? हाँ बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हो, ये बात नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब था कि कम से कम घर में चार पैसे तो आएंगे ना, ये तो तुम तो सभी उड़ा दोगी। अम्मी, आप दादी को कुछ कहती क्यों नहीं है? अरे आप दोनों क्यों तंग कर रहे हैं मेरी बच्ची को? हम ऐसा करते हैं कि इसकी पॉकेट मनी ही बंद कर देते हैं, ताकि फिर कोई जवाब ही ना हो। आई हेट यू ऑल, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अच्छा कोमल, बात सुनो मेरी, बात तो सुनो। अरे अम्मा रहने दे, खुद ही मान जाएगी। अरे जाके मनाना पड़ेगा, खुद ही कैसे मान जाएगी। अरे हाँ याद आया, वो मैंने आपको कॉल के बारे में बताया? किसकी कॉल? ईशल की कॉल आई थी, लेकिन उससे बात नहीं हो सकी, शायद उसके फोन में कोई मसला था। अच्छा वो साहिर तो अभी घर पहुंच गया होगा ना, आप जरा मेरी फोन पे ईशल से बात करवा दें। हेलो, वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ईशल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात कराता हूँ मैं, आप होल्ड रखिएगा। ईशल, ईशल, ये लो बात करो, तुम्हारे लिए फोन आए हमारे घर से, बात करो। अस्सलाम वालेकुम ईशल बेटा, कैसी हो? खुश हूँ। वहाँ अच्छा लग रहा है ना बेटा? साहिर कैसा है? बहुत अच्छे हैं। बेटा तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन ये सोचकर दिल को सुकून मिलता है कि तुम बहुत खुश हो। अच्छा बेटा मैं फोन रखती हूँ। हाँ वो बेटा तुम्हारे बाबा तुम्हें प्यार भेज रहे हैं। यकीन नहीं आता कि ये वही ईशल है जो शादी की रात इतनी दुखी थी। मत याद किया करो उस दिन को। इसे साहिर की शक्ल में हमें अल्लाह ताला की एक नेमत मिल गई है। हाँ सच कह रही हो तुम। ईशल को खुश देखकर
बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला उसे इसी तरह हमेशा मुस्कुराता और हंसता हुआ रखे। आमीन आमीन। Thank you.
किधर गई थी? कहाँ गई थी? वो अब्बा को देखने गई थी। क्यों? वो मुझे लगा कि शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत ना हो, नींद का प्रॉब्लम है ना। वो तो मुझे भी है। देखो अभी भी जाग रहा हूं, ना आंखों में नींद ना ही सुकून। अब सोने की कोशिश करें, नींद आ जाएगी। कोशिश कोशिश करता हूं। तुम इतनी घबराई भी क्यों? नहीं तो बात भी पसीना है, नब्स भी तेज है तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं है। Are you sure? जी। Okay. सो जाओ। चलो मेरे साथ। हाँ बता दो। साहिर, साहिर कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम ये इंतजार करो। महसूस कर रही हो? क्यों क्यों आई थी यहां? ये देखने आई थी कि
कि आप अपनी माँ के बारे में इतनी नफरत से बात क्यों करते हैं? नफरत? तुम जानती हो नफरत है क्या? क्या जानती हो उस एहसास के बारे में जो एक शख्स को तीमक की तरह अंदर से खा जाता है? उसे यह भी नहीं पता होता कि क्यों। तुम मेरी नफरत की वजह जानना चाहती हो ना? आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि नफरत की नहीं जाती, नफरत हो जाती है। चलो। साहिर हम कहां जा रहे हैं? बैठो बैठो। हेलो जी, सलाम अलैकुम अंकल, कैसे हैं आप जी? मैं आपको एक एड्रेस एसएमएस करने लगा हूँ, आप फौरन वहां पहुंच जाए। जी ईशल बिल्कुल ठीक ठाक है, बेफिक्र हो जाए, आप उस एड्रेस पर फौरन पहुंचे प्लीज। चले। मैंने उससे जुड़ी हर चीज को जला दी, हर उस आखिरी एहसास को खत्म कर दी। तुम्हें कभी उसे याद नहीं करूंगी, कभी उसका